अगर एक वोट भी जबरदस्ती डाल के दिखा दे तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। सफेद फेसबुक को बहुत झूठ सच बोले जाएंगे। मैं उनको चैलेंज करता हूँ सफेद के माध्यम से। कार्यकर्ता की तो बहुत बड़ी बात है, अगर रही सके एक भी वोटर को तोड़ देता हूँ उनको चैलेंज देता हूँ मैं सफेद चुनाव। लेकिन उन्होंने छेड़ छेड़ कर कभी इमरान प्रताप गरीब बनाते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा बनाते हैं। यहाँ तो दीपेंद्र हुड्डा भी और राहुल गांधी भी तुम्हारे विधानसभा की जनता है। अस्सलाम वालेकुम भाई दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लंबी थोड़ी बात आप लोगों से करूंगा। कैसे कर आप सुबह से ही 10 बजे से इस प्रोग्राम में लगे हुए हो? देखो ये मैच चल रहा है, आप सबको पता है जब रन जाना चाहिए बोल कब रहेगा बता ना। इस तरह से मैं धोनी का बड़ा फैन हूँ, धोनी का तो धोनी बल्ले वैसे रखता है, ऐसे का कारण धोनी का चोटे छक्के मारे। तो दोस्तों रन ज्यादा चाहिए और बॉल है कम। आप लोगों से मेरी एक अपील है, सारे भाई आज 5 बजे से सभी साथी आज जो एक अपील है, सभी साथी गांव में लग जाए, एक एक वोट पर मेहनत करे, एक एक दोस्त को माता और बहनों को समझाए। इंशाल्लाह आपकी इतनी बड़ी जीत होगी आपने हिसाब भी नहीं लगाया होगा। जिस तरीके से आज आवाज उठाए विधानसभा की, लगभग 25-30 हजार लोग आज यहाँ आए हैं, मैं इन सबका तहे से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी गर्मी में अपने व्हीकलों से अपनी बाइकों से पैदल चलकर जो साथी यहाँ पहुंचा उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे सचेत में आज गोरू का हस्ती मेरी विधानसभा की चाहे 20 रुपया हो या बिछोर या नहीं, ये लोग भाईसी के लोग हो और ये मेरे कस्बे के पुराना निवासियों ने जितना प्यार इस चुनाव में दिया है, खासतौर से मैं पुराना वासियों का तो तारीख नंबरदार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों ये वक्त सिर्फ 2 दिन का समय आप लोगों के पास बचा है। आप सभी को पता है गोलू का विधायक कितना झूठ इस टाइम भी बोल रहा है, उसने 20 साल में दोस्तों कुछ नहीं किया। हमारी यहां जो 12 तारीख की जनसभा हुई थी उसी दिन उनका एक प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम को देख के वो गाली का उत्पूर्ण हो गए। क्या मेरी माँ आपकी माँ नहीं थी? क्या आप मुझे बता दें क्या मेरी माँ आपकी माँ नहीं थी? क्या मेरी बहन आपकी बहन नहीं थी? जिस तरीके से उन्होंने गाली दी है, आप लोगों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के 5 तारीख को बनने का बटन इतना दबाना तो उनको 8 तारीख को यह पता लग जाए गाली से नतीजा क्या होगा। दोस्तों ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये पुराना विधानसभा के नौजवानों की लड़ाई है, पुराना विधानसभा की जनता की लड़ाई है, ये बाईसी की लड़ाई है, ये सभी पालों की लड़ाई है। आप लोगों से अपील करता हूँ इस समय को दोस्तों हाथ से निकल मत जाने देना। आज से हुजूर आज यहाँ जनता जो आई है उसने ये दिखा दिया कि इंशाल्लाह जीत तो आपकी पक्की, आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। आने वाले 2 दिनों में हमें एक काम करना दोस्तों, हमें ये काम करना कि इसकी जमानत जब्त करनी। आने वाले 2 दिनों में आप सभी घर घर जाए, घर घर जाकर मेहनत करें। आपने एक महीना बहुत बड़ा संघर्ष आप लोगों ने किया है, आपने इतना संघर्ष किया है बोल बाज नहीं। मैं जो आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, आप पैदल चलकर आप गाड़ियों से रात को दिन में जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं लेकिन उन्होंने छेड़ छेड़ कर कभी इमरान प्रताप गरीब बनाते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा बनाते हैं। यहाँ तो दीपेंद्र हुड्डा भी और राहुल गांधी भी तुम्हारे विधानसभा की जनता है, यहाँ किसी हुड्डा की नहीं चलेगी, यहाँ किसी राहुल गांधी की नहीं चलेगी। दोस्तों ये चुनाव आपका अपना है, आपने इतना प्यार मुझे दिया, मैंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का प्यार मुझे मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक वादा सदेश के माध्यम से कह रहा हूँ, आज पूरी आवाम यहाँ है, पूरे कार्यकर्ता यहाँ है,
हो सकता सारे काम आप नहीं कर पाओ, लेकिन एक वादा कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरे घर के दरवाजे पुराना विधानसभा की जनता के लिए 24 घंटे खुले मिलेंगे। और दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों ने माहौल बनाया और जिस तरीके पे आज हम खड़े हैं, इंशाल्लाह इसमें सारी मेहनत खास तौर से जो पुराना विधानसभा के नौजवान साथी है उन्होंने ये मेहनत कर ये यहाँ तक ये मामला पहुंचा, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों 5 तारीख को जब चुनाव हो, 5 तारीख को जब वोटिंग हो, मैं खास तौर से नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, पूरे दिन आप दूध पर रहते, जहाँ गाड़ी की जरूरत हो गाड़ी लगाएंगे, जहाँ बाइक की जरूरत हो बाइक लगाएंगे। और मैं आपसे अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों को वोट 5 तारीख को करनी है। और दोस्तों जिस तरीके का माहौल आपने बना दिया, इतनी तादाद में हमने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग 20-25-30 हजार की भीड़ यहाँ आएगी। आपने पूरे हरियाणा में यह संदेश दे दिया है कि पुराना विधानसभा जो निरंजन को दिया आप लोगों से फिर एक बार अपील करता हूँ, आप घर घर जाएंगे आज के बाद, आप बाजार को बताना और दोस्तों हमारे जो काम करते हैं दुकानदार 5 तारीख को सभी साथियों से मेरी दरखास्त है अपनी दुकान बंद रखे और बूथों पर उस दिन आप ड्यूटी दे, आपसे मेरी अपील है कोई काम ना करे उस दिन। दोस्तों 5 तारीख तक आप लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी, इंशाल्लाह 5 साल आपको चौकीदार बनकर आप लोगों की सेवा करूंगा। मैं इन चाहता हूँ जो बाईसी का ठेकेदार बनकर घूम रहा है, अल्लाह का शुक्र है आज जो बाईसी के चौधरी मौजूदा सरपंच आज इस स्टेज पे बैठे हैं, अगर उसके इतने कारनामे अच्छे होते तो ये लोग यहाँ नहीं होते। दोस्तों आप बाईसी से ही साथ उठा लगा अभी बहुत अफवाह चलेंगी, फेसबुक पर बहुत झूठ सच बोले जाएंगे, मैं उनको चैलेंज करता हूँ स्टेज के माध्यम से, कार्यकर्ता की तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं सके एक भी होटल को छोड़ देता हूँ उनको चैलेंज देता हूँ सफेद सुना के। हम लोगों के बीच में रहे 5 साल, 5 साल आप लोगों की सेवा की, 2014 में जब मैं बना मेरे से जितने काम हो जाके बढ़ाए मैंने खूब काम किए, लेकिन दोस्तों अभी बहुत कामों की यहाँ जरूरत है, बहुत काम यहाँ कर रहे हैं हमारे नौजवान साथी, पढ़ लिख के भी बेरोजगार है आज हमारे नौजवान साथी, नशे के उसमें जाल मार रहे। मैं आपको सदैव के माध्यम से वादा करता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो खास तौर से पढ़े लिखे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह यहाँ फैक्ट्री लाकर आप सबको नौकरी हम यहाँ दिलवाएंगे। हमारा एजेंडा झूठ का नहीं है, हमारा एजेंडा कारीगरों का नहीं है, हमारा एजेंडा किसी की बेइज्जती करने का नहीं है, हमारा एजेंडा है पुराना विधानसभा का भाईचारा बनाना, पुराना विधानसभा का विकास करना हमारा एजेंडा। मेरी बहुत सी मांगे हैं दोस्तों, और जो ये कह रहे हैं ना सरकार एक तरफ बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही, आप दिमाग से निकाल देना, इंशाल्लाह 8 तारीख को हेलीकॉप्टर यही उतरेगा जिसको पुराना की जनता बनाएगी, इंशाल्लाह वो सीएम बनाएगा हरियाणा में। इस बार ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, आप किसी की बातों में बताओ दोस्तों, मेरे कुछ मुद्दे हैं दोस्तों आपको बता दूं, समय है आपके पास, अभी ज्यादा भी नहीं लग रही है, और एक दिक्कत बहुत बड़ी है यहाँ, 5 साल पुलिस ने बहुत कम किए नादा इन नौजवान, आपसे वादा कर रहा हूँ अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ा किसी भी निर्दोष को पुलिस टच भी नहीं करेगी, ये वादा आपसे। मेरे कुछ मुद्दे दोस्तों 5 मिनट लूंगा, मेवात की वर्षों पुरानी मांग है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी यहाँ लाएंगे, ये मेरा एक नंबर का मुद्दा। दूसरे नंबर पर पिना हुआ कस्बा है जो यहां से 12 किलोमीटर दूर है, तो रजिस्ट्री करवाने के लिए यहां आना पड़ता है, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो पिना हुआ को तहसील का दर्जा हम दिलवाएंगे। और पिना हुआ कस्बे की जो बहन बेटियां वो या तो झिरका जाती है
या पुराना आती है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो पिनंगवा में एक लड़कियों का कॉलेज भी हम बनवाएंगे। हमारे नौजवान बच्चे जो आज कॉलेज में पढ़ने के लिए तो होटल जाते हैं या नगीना जाते हैं या नूह जाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो पुराना में एक लड़कों का कॉलेज भी हम अलग से बनवाएंगे। जैसे हमारे बड़े बड़े गांव में दोस्तों सिकरावा हुआ, बिछोर हुआ, नहीं हुआ, 12-15 गांव है, सिंगार हुआ और बहुत से गांव है। जैसे हमारे बच्चे कोचिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, इनमें बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हम सभी बड़े गांवों में दोस्तों बनवाएंगे। और पुराना विधानसभा में जो सड़कों की हालत आपको पता ही है, बड़कली से यहां तक खत्म हुई पड़ी है, अगर अल्लाह ताला ने मुझे बना एक महीना में इस पे 4 लाइन पर काम चलवाएंगे, इसको बड़ा होना चाहिए। और सिंगार भाई हमारा बहुत बड़ा गांव है और मेरा भी बहुत लगाव है भाई, झूठ इतना चल रहा है भाई, हमें कह तो वोट तो इन पे हाई नहीं दिया सर, वो मैदान तो हो सा, ईमानदारी से बता रहा हूँ सिंगार हुआ या नहीं या बिछोर, क्योंकि मरहूम वाले साहब से लोगों का लगाव है। और सिंगार में 17,000 रुपए, मैं आज सदैव के माध्यम से बात कर रहा हूँ सिंगार के लिए, इंसाने कॉलेज बनवाने सिंगार के लिए, वहां बहुत बड़ी दिक्कत है। और जैसे आज 1:33 के भी हमारे लिए, 1:33 के भी बिछोर साइड और 1:33 के भी यहाँ चौका साइड में कहीं भी हम 33 के भी बनवाएंगे जो लाइट की हमारी सुविधा हो सके। और बहुत सारे मुद्दे खेल लड़ाई लड़ते रहेंगे, काफी लंबा समय इसमें लगे, जैसे पीने का पानी नहीं है, इसके लिए हम लड़ाई लड़के पीने का पानी लाएंगे। और जैसे नहरी पानी की दिक्कत है खासतौर से 20 रू जो गाँव, 20 रू और सिंगार हमारे 12-14 गाँव है जो ये अब पानी से बड़ी दिक्कत में, मैं वादा कर रहा हूँ सिंगार से और 20 रू गाँव वालों से, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो हर खेत को नहर का पानी हम दिलवा दें हर खेत को। अब एक समस्या और आ गई, सेजा लगना शुरू हो गया, जब पानी दिलवा तो पीछे बॉर्डर हमने लगवाई थी, अब खेतों में सेजा लग रहा, लेकिन अब बहुत नई नई योजना आ गई है। आपसे वादा करता हूँ आपके जो सेजे से खेत खराब हो रहे हैं हमारे 700 गाँव में, रायपुर में, सारी बैल और नई गाँव में भी, इंशाल्लाह 6 महीना में आपकी वो दिक्कत भी हम सेजे वाली भी खत्म करेंगे। मेरे मुद्दे सिर्फ आपके, मेरा कोई विकास का मुद्दा ना भाई, इसमें देख ले रहा पढ़ के आपको दिखा रहा हूं, मेरा अपना कोई मुद्दा नहीं है, ये आपकी ही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जैसे हालात इस मौजूदा विधायक ने झूठ बोल के आपसे वोट हड़प ली और 8 से 6 वोटों से आप पर हम सब हार गए भाई, अल्लाह ताला की मंजूर नहीं थी, फिर इसी बात को इसलिए दोहरा रहा हूं बार बार, एक एक वोट पे मेहनत करनी है। आपका काम 5 तारीख तक है, फिर मेरा काम है आपकी सेवा करना। आपका जो जनून, जो आपका हुजूर पर जो जनून है, ये इस बात की गवाही दे रहा है, इंशाल्लाह आपकी जीत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस तरीके से प्यार इस चुनाव में आपने दिया, हकीकत में मुझे भी इस प्रचार में बहुत मजा आया, सही बता रहा हूं, मैं सोया नहीं कही गई, लेकिन मजा इसमें क्यों आया भाई, जहां जाऊं सारे नौजवान साथी मिल जाए, 3-4 हजार की भीड़, अच्छा इनने भी लिए और मैंने भी प्रचार खूब धुआंधार से किया, और गांव के जो बुजुर्ग है उन्होंने भाई बहुत मान सम्मान दिया, आज मैं फड़ेंडी गया था, फड़ेंडी के आस पास के सारे पंच सरपंच, मैं इतना बड़ा नहीं हूं जितनी मेरी कदर कर रहे हैं, मैं छोटा साथ हूं, लेकिन वो अल्फाज नहीं भाई, मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा कर सकूं, कैसे एहसान को इनको उतारूंगा। आप तो चुनाव का समय आपको लग रहा हो विधायक जी अच्छा झूठ बोल रहे हो भाई, काम निकल जाएगा 5 तारीख को, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा सोचना भी मत, सिर्फ ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं मैं, मेरा कोई सवाल नहीं। मरहूम वाली साहब का कुछ अधूरे सपने है, चौधरी साहब को बहुत लोग पीछे बैठे, नाम सुना होगा, जानते होंगे, बहुत से साथी नहीं भी जानते होंगे, 2000 बच्चे अनपढ़ नौकरी लगवाए थे वालिद साहब, उसके कुछ सपने हैं दोस्तों, मेरे भी उनकी लगा के उसके सपने पूरे किए जा, और मैं उसी के पद चिन्हों पर चल के आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। और आज मुझे खुशी है जब इतने नौजवान, इतनी जनता एक आदमी के पीछे, यार उसे क्या जरूरत, जब आप लोग मेरे साथ, मुझे कोई चिंता नहीं है किसी।
मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इंशाल्लाह जीत तो खुदा के हुक्म से आपकी होगी, लेकिन 5 तारीख तक 6 बजे तक बूथ को दोस्तों मत छोड़ना, घर घर जाके सपोर्ट करना, किसी से डरने की जरूरत नहीं। एक तो डरा दिया है, बताए बाजार हो जा रहा है भाई, हम तो हमने यह काम में लगा दिया, हम तो काम तो हमारा छुड़वा दे पहले, ऐसा मैं उनको सतेज के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता को वोट से रोकेगा उसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे, हम तुरंत वहां पहुंच के उसका इलाज करेंगे। अभी एक भाई इसी के ग्राउंड में गया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं अक्सर बैठ जाता हूँ जहां ऑफिस बना रखे मेरे साथियों ने, भाई जबरदस्ती वोट, मैंने कही यार जबरदस्ती वोट कैसे डालने को, वोट तो हमारी ज्यादा रुकिए जबरदस्ती डालना, मैं मोके यार जबरदस्ती, जब तक मैं जिंदा हूं जबरदस्ती वोट नहीं सका आदमी मेरा, आज मेरे जबरदस्ती मैं मर जाऊं इतने जबरदस्ती दे वोट, मैं चैलेंज देकर देना चाहता हूं, जो इन्होंने जिन्होंने 22 चुनाव की थी, अगर एक वोट भी जबरदस्ती डाल के दिखा दे तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे सफेद। आज 22 का हजूम हमारे साथ है, वो समय ये नहीं था, वो और समय था जब उन्होंने ये काम किया था, आज 22 की जनता जाग चुकी है। और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जो आपकी वोट है सिर्फ उसको डालने का आपका ही अधिकार है, किसी की औकात नहीं जो उसको डाल दे, किसी की भी ना, हम इतने कमजोर है तो हमारी वोटों को कोई और डाल देगा, अगर कहीं गड़बड़ करने की कोशिश की तो अंजाम दोस्तों बहुत बुरे होंगे, ये भी मैं समझ रहा हूं। मेरे कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं है जो रात के 4-4 बजे तक नहीं सोए, उनकी वोट को कैसे डाल देगा कोई, हम तो और भी काम ना की हिम्मत रखते हमारी वोट को कौन डाल सकता। आज जिस तरीके से आपने मान सम्मान किया दोस्तों, सिर्फ 2 दिन की लड़ाई शेष रह गई है, 2 दिन की, सिर्फ मात्र 2 दिन की, क्या आप तो 3-4 दिन से तो भूल अटका भी बताइए, सिर्फ ना बैंगन की जा बैंगन भी हो 3-4 दिन में घुसो हो ऐसा हो ना, बैंगन ना सुना अच्छी भी सलाती बाई सी का हमारे सरपंच रहे, हमारे चौधरी भी यहाँ मौजूद है कई गाँव के, और बहुत सम्मानित आदमी है जो सतेज बैठे, मैं भाई इनसे छोटा हूं, मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब 4:30 का समय लगभग हो रहा है, समय बहुत कम बच रहा है दोस्तों, बाजार को आने की कम से कम कोशिश करें, किसी साथी को गांव में तो मेरे से फोन करें, कोई नया साथी जुड़े तो मुझे बुलाना है, मेरे संपर्क में आप सभी लोगों को रहना है, जब थैला आएगा उसमें कॉन्टेक्ट नंबर आएंगे, पुलिस का भी नंबर आएगा, अफसरों का भी नंबर आएगा, 3-4 नंबर मेरे भी आएंगे, किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आज जो हुजूम है इंशाल्लाह हवा निकल के हुई, राहुल गांधी की रे दिए, राहुल गांधी से तो 20 गुना बड़ी रे दिए, आज जनता से बड़ी कोई चीज नहीं होती दोस्तों, जनता जनार्दन है, जिसको जनता चाहती है वही होता है, आज जनता ने खाद्या रही साहब बना रहा है, इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपने मेरी बात सुनी, सुबह से आप परेशान है, गर्मी में है, लेकिन फिर अपील करता हूँ दोस्तों, 5 तारीख तक बूथ पड़ा रहना है, घर घर जाके सपोर्ट करनी है, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।